क्या आप शाद से मोहब्बत करती? हाँ करती हूँ। लेकिन कुछ कमी है। वैसी मोहब्बत नहीं है जैसी होनी चाहिए। ऐसी मोहब्बत जो जिंदगी बदल देती है। ऐसी मोहब्बत जिसके होने के एहसास से खुशी मिलती है। आवाजें आ रही है ना, लगता है सब लोग इसी तरफ आ रहे हैं। मिस्टर आहिला, एक बात बताइए मुझे और सच सच बताना कि आपको यहाँ मेरे साथ इस कमरे में बंद बुरा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जो हम कि हम यहाँ इस कमरे में, क्या ये गलत है? गलत मैं यही सुनना चाहता था सनम। लतीफ, आई बाबा सनम के साथ नहीं है। आइए आइए, दरवाजा खोलो भैया, इस कमरे में बंद है जन्नत और मैं दोनों। जल्दी दरवाजा खोलो। नहीं सनम, अरे जो कोई भी बाहर है जल्दी दरवाजा खोलो। खाला, देखो तुम्हारा नंबर भी ट्राई किया था मैंने, शायद लग नहीं रहा है, चेक करो। आई थिंक यहाँ पर नेटवर्क नहीं है ना। झूठ क्यों बोल रहे हो? पुरानी कहावत है, अगर एक झूठ बोलने से कुछ काम बनता हो तो वो 100 सच के बराबर होता है। कहावत ये है कि अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वो 100 सच से बढ़ के। हाँ तो ये झूठ मैं हम दोनों की भलाई के लिए तो कह रहा हूँ, और वैसे भी हम दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना पड़ेगा, तो भले ही झूठ में ही सही। आपका साथ क्यों निभाऊंगी मैं? शाद की बीवी हूँ, उनका साथ निभाऊंगी। दरवाजा खोलो। जी अभी खोलती हूँ। रहेगी थी आप, कितना ढूंढा मैंने आपको। शायद वो मैं आपका मैसेज अकेले में पढ़ना चाहती थी, तो बस शायद होटल चलते हैं ना, वहां जाके आराम से बात करेंगे। मिस्टर मिसेस इब्राहिम, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, लेकिन काफी देर हो चुकी है, हमें अब चलना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन, अल्लाह हाफिज।
किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, मोहब्बत इंसान को निकम्मा बना देती। अच्छा है, शाद मियां की जिंदगी में जन्नत के आने से मेरी राहें थोड़ी सी तो आसान दिखी रही। आहिल जी सनम को देख रहे हैं, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये क्या है सैफ? वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस देना, वहीं पर है। जिस घर में सनम नहीं रह सकती, उस घर में उसकी यादों का क्या काम? मैं इस घर से सनम का नामो निशान मिटा दूंगी। जन्नत का मैसेज, या अल्लाह क्या जवाब होगा उनका? मैंने जब से अपनी इस नई जिंदगी को जाना है, हर कदम पर आपको पाया है। जब मेरे पास अपना कोई नहीं था तब आप थे, और आज भी आप ही हैं। शायद मुझे आपके साथ दोबारा निकाह कबूल है। She loves me. जन्नत, शी लव्स मी। जन्नत, शी लव्स मी। मैंने जब से अपनी इस नई जिंदगी को जाना है, हर कदम पर आपको पाया है। जब मेरे पास अपना कोई नहीं था तब आप थे,
और आज भी आप ही हैं। शायद मुझे आपके साथ दोबारा निकाह कबूल है। ये क्या माजरा? आहिल और उसकी उसकी हवेली से मेरा क्या रिश्ता? क्या है ये सब? की शुरुआत चाहे किसी ने भी की, लेकिन उसे उसके अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी। सनम की फोटोग्राफ्स? अभी तो खेल शुरू हुआ है। ना तो आप अपनी सनम को कुछ बता पाएंगे और ना ही घर वाले। आज आपकी सनम की यादें जल के राख हुई, कल आपकी और सनम की दास्तान जल के राख होगी। या अल्लाह, जन्नत ने मेरी पसंद को अपनाया है। अब बस इस लेटर के जरिए वो मेरी हकीकत को भी अपना ले। या अल्लाह, तेरे खेल समझ पाना नामुमकिन है, लेकिन कम से कम एक इशारा तो कर दे कि मेरी उलझन जरा सी सुलझ जाए,
सारी रात मेरा दिल इतना परेशान रहा और आज सुबह होते मैं यहाँ यहाँ मिस्टर राहिल के घर आ गई। मैंने तो शाद के उठने तक का इंतजार भी नहीं किया। ऐसा क्या है इस घर में जो बार बार मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? गुड मॉर्निंग। आप? मैंने शाद को हाँ कर दी। शाद ने मुझसे पूछा कि मुझे उनके साथ दोबारा निकाह कबूल है, तो मैंने हाँ कह दी। शाद ने मुझसे पूछा कि मुझे उनके साथ दोबारा निकाह कबूल है, तो मैंने हाँ कह दिया। ठीक है, आपको जो करना था आपने कर लिया, तो ये बात आप मुझे क्यों बता रही? क्योंकि स्टोर रूम में जो हमारी बात हुई, मुझे लगा कि आप उन बातों का कुछ गलत मतलब ना निकाल लें, क्योंकि इंसान को गलत फहमी होती देर नहीं लगती, इसलिए। दूर तलक है सूना फलक, अब ढूंढे तुझको कहाँ, तू है किधर ना आए नजर, हाँ सुन ले ये इल्तिजा। मत जा रे, मत जा, मत जा रे, मत जा, मत जा रे, मत जा, मत जा रे, मत जा। तेरी कमी है सांस कमी है, तन्हा है दिल मेरा। ये कौन सा रिश्ता है तेरी आंखों से रिश्ता है, दो दिल के पाटों में ये बटता है पिसता है, दो दिल के पाटों में ये बटता है पिसता है। जिद पे बस दिल को अपने तो ऐसे ना छुटना। मत जा रे, मत जा, मत जा रे, मत जा रे, मत जा, मत जा रे, मत जा। तेरी कमी है सांस कमी है, तन्हा है दिल मेरा। या अल्लाह, कभी सोचा ना था मोहब्बत का ये अंजाम होगा। क्या हुआ, आप उसे दिल की बात नहीं बता पाए? मैं बता दूं? आज रस्म लिबास है, शाही निकाह वाले आने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस रस्म में जरूर आएंगे। शाद की दुल्हन का जोड़ा जो पसंद करना है। वो शाद की दुल्हन नहीं बल्कि मेरी सनम है,
और मौला मुझे सिर्फ एक इशारा चाहिए जो ये साबित कर सके कि सनम की दिल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मुझे ढूंढ रही है।